हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो हम ये ब्लाउज बना रहे हैं वो डबल कटोरी का है। जैसे कटोरी वाला ब्लाउज भी मैंने बताया है तो इसमें डबल कटोरी है, तो बीच में से कटा हुआ होता है और उसमें प्लेट दब जाती है। जो कटोरी वाले ब्लाउज में नुक निकलती है तो उसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। तो मैं आज उसको आपको बताऊंगी डबल कटोरी ब्लाउज कैसे बनाना है। वो भी बहुत आसान और सरल तरीके से बनाया जाता है और उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। कटोरी वाले ब्लाउज से डबल कटोरी की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज का नाप लेना है। जैसे आपकी चेस्ट है 38 या 40, वो चेस्ट लिखनी है, और ब्लाउज की जो लंबाई है 13 या 14 इंच वो लिखना है। और उसके बाद तो सिंपल है, शोल्डर और आरोमल। तो सबसे पहले हमें लंबाई का ध्यान रखना है और चेस्ट का। तो देखिए, जैसे हमारी चेस्ट है 38, तो हम 38 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं और इसकी लंबाई है 13 इंच, तो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे तो हम 14 इंच की लंबाई लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, वो भी एकदम बराबर। और साड़ी का जो कपड़ा है वो हम थोड़ा सा बड़ा काटेंगे, क्योंकि जब हम अस्तर और कपड़े को रख के सिलाई लगाते हैं तो ये साड़ी का कपड़ा फैलता है, तो इसलिए हमें साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा बड़ा काटना है। तो ये अस्तर हमें पहले डबल करके रखना है इस तरीके से। ये देखिए डबल है। अब ये बंद वाली साइड है, तो यहाँ पे हम अपनी लंबाई का निशान लगा लेंगे। पीछे का पल्ला पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम अपनी लंबाई 13 इंच की है, तो 1 इंच ज़्यादा लेंगे तो 14 इंच लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पे हमें 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये मैंने अपनी लंबाई ले ली। अब यहाँ पे मैं शोल्डर लूंगी, वो 6 इंच के शोल्डर लेंगे, क्योंकि हमारे शोल्डर थे वो 12 इंच के थे, तो हमने उसका आधा कर लिया, तो 6 इंच के शोल्डर है। इसका मुझ पे ब्लाउज नहीं है, मैंने चेस्ट का नाप लिया है। आरुमल लेंगे, वो 6 इंच के लेंगे। और पहले हमें यहाँ पे चौकुटा निशान लगाना है, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी फिटिंग का निशान। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे पहले, उसके बाद हम 1 इंच यहाँ पे सिलाई के लिए अलग से लेंगे। अब इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो ये आरोमल हो गया और ये हमारा फिटिंग का कपड़ा हो गया। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे। गले की लंबाई लेंगे, वो 9 इंच की लेंगे। और यहाँ पे हम गोलाई से गले की कटिंग कर लेंगे। पहले चौकुटा निशान लगाना है, उसके बाद यहाँ पे गोलाई का। अब पीछे के पल्लर को हम एक पुराने कपड़े के ऊपर रखेंगे या कोई अखबार हो तो उसके ऊपर रख लें। इसके लिए मैंने ये सिंपल कागज़ ले लिया है। इस पे अच्छे से आपको दिखाई भी देगा और समझ में भी आएगा। अब देखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि पीछे के पल्लर से हमें आगे का पल्लर 1.5 या 2 इंच ज़्यादा लेना है, तो हम यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा लेंगे। जो हमारा आगे का पल्लर है वो हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है पीछे के पल्लर से।
अब देखिए ये डबल कटोरी का ब्लाउज है, तो हम गले की लंबाई 7 इंच की लेंगे और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच की रखेंगे, क्योंकि पीछे की हमारी 2.5 इंच की है तो आगे की भी हमारी 2.5 इंच की रहेगी। अब हमें अपनी फिटिंग का कपड़ा निकालना है, तो 9.5 इंच पे हमें फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये हमारा 9.5 इंच है, तो ये हमारा जो सिलाई का कपड़ा है वो अलग रखेंगे और 9.5 इंच हमने फिटिंग का कपड़ा निकाल लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अपने तीरे का निशान, तो हम यहाँ पे लगाएंगे तीरे का निशान 13 इंच पे। अब 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे ऊपर की साइड और इसमें हम इस तरीके से शेप का निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमारा ये फिटिंग का कपड़ा है वो 9.5 इंच का है पूरा, अब इसका हम 3 भाग करेंगे। तो जैसे मान के चलिए 9 इंच है हमारी चेस्ट, तो हम उसको 3 भागों में बांटेंगे, तो एक भाग 3 इंच का हो रहा है और 3-3 इंच के तीनों भाग हो रहे हैं, तो 3 इंच हम यहाँ पे रखेंगे, 6 इंच की कटोरी बनाएंगे। तो हमें 3 इंच यहाँ पे रखना है तीरे के लिए और 6.5 इंच, आधा इंच है ज़्यादा, तो 6.5 इंच की हमारी कटोरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें कटोरी निकालनी है पहले। तो जैसे भी हमारा 10 इंच है तो उसको भी हमें 3 भागों में बांटना है, 8 इंच है तो उसको भी हमें 3 भागों में बांट के अपनी कटोरी निकालनी है। तो एक भाग हम तीरे के लिए रखेंगे, 2 भाग हम कटोरी के लिए, इस तरीके से हमें अपनी कटोरी निकालनी है। आशा करती हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि एक भाग हमें यहाँ पे रखना है, 2 भाग की हमें कटोरी बनानी है। तो हमारा 9.5 इंच था, तो हमने यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे रखा है, 6.5 इंच यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे लेंगे हम 2.5 इंच इस तरीके से, अब यहाँ पे लेंगे हम 5 इंच, देखिए जैसे हम कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमने इस पर निशान लगा लिया है। अब देखिए आधा आधा इंच हमें यहाँ पे कटिंग करनी है, आधा आधा इंच की, इससे क्या है यहाँ पे झोल ना आए। अभी हमारा बगली का तीरा हो गया और ये नीचे का तीरा, अब हमें डबल कटोरी की कटिंग करनी है। तो देखिए अब हमारी जो लंबाई है यहाँ पे मान के चलिए हमारी लंबाई है 8 इंच की, तो 8 इंच की लंबाई है, तो हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे आधा और आधा रखेंगे नीचे, तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी बीच में हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया, अब हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच इधर की साइड और 1 इंच लेंगे हम इधर की साइड। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से ये हमें गोलाई में निशान लगाना है। ये हमारा ऊपर का हो गया और ये नीचे का। अब कटिंग करेंगे तो हम कटिंग में इसमें 1 इंच बढ़ा लेंगे नीचे वाले में। अब ये हमारा स्थल है, तो हम यहाँ पे इसको रख लेंगे, इसको हमें थोड़ा तिरछा ही रखना है, ये देखिए तिरछे में।
अब ये नीचे का तीरा है। अब ये पगली का तीरा है। क्योंकि कपड़े को हमें देख के रखना है, क्योंकि नीचे का जो तीरा है वो भी आ जाए हमारा कटोरी का नीचे का पार्ट। ये तो हमारा बगली का हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लेना है प्लेट के लिए। इस तरीके से हमने इसको रख लिया है। अब 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे, 1 इंच यहाँ पे लेंगे। ये देखिए 1 इंच यहाँ पे है और 1 इंच यहाँ पे। अब देखिए हमारा नीचे का तीरा है तो इसको हम इस तरीके से रख लेंगे, इस तरीके से। इससे क्या है हमारा जो नीचे का शेप है वो बराबर आ जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे कटोरी को तो यहाँ से इस तरीके से शेप आ जाएगा हमारा, ये देखिए। और ऊपर की साइड हम इसको सिंपल रखेंगे सीधा बराबर। अब देखिए अब हम इसको रखेंगे इस तरीके से। तो हमारा देखिए यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा हो रहा है। बस ये तो हमारी वैसे ही गोलाई है कटिंग की, मगर जो हमारा नीचे का मेन तीरा है वो हमारा यहाँ से सीधा होना चाहिए और नीचे से थोड़ा सा गोलाई में। तो ये हमारी डबल कटोरी की कटिंग हो गई है अस्तल की। अब हमें क्या करना है, ध्यान से रखना है। यहाँ पे हमारा आगे का पल्लर है, हुक वाली साइड है जो हमारा छोटा है, और यहाँ पे जो चौड़ाई है वो हमारा तीरा है जो हमारा ये तीरे में जुड़ेगा। इस तरीके से हमें इसको जोड़ना है। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से जुड़ेगा। अब जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसको काटेंगे। तो पहले जो अस्तल बचा हुआ है इसमें से हम बाजू निकाल लें। अब इसकी जो यहाँ पे चौड़ाई है वो है 16 इंच की, अस्तल की चौड़ाई 16 इंच की है। तो हमें अपने कपड़े की चौड़ाई चाहिए 18 इंच की, तो हम इसको डबल करके 9 इंच ले लेंगे। इसको डबल करके हमें यहाँ पे 9 इंच लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम कटिंग का निशान लगाएंगे तो 2 इंच लेंगे, और ऊपर की साइड इसको ऊपर की साइड इस तरीके से ले जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे हम पट्टी लगा लेंगे चौड़ाई में। ये हमारी 2 पट्टियाँ हैं, यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब जो साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चौड़ा बॉर्डर है वो हम बाजू पे लेंगे, और यहाँ पे जो कम चौड़ा बॉर्डर है वो हम पीछे की साइड लेंगे।
अब साड़ी के कपड़े को हमने डबल कर लिया है, अब अपने पल्लर रख लेंगे जो बंद वाली साइड है, यहाँ पे हम अपने पीछे का पल्लर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो बाजू का कपड़ा है वो यहाँ पे दूसरा कलर है, दूसरा बॉर्डर है, तो इसको हमें इस तरीके से निकालना है कि बगली की साइड हम इसमें ये दूसरा जो बॉर्डर है वो लगा लेंगे, क्योंकि कपड़े में रेंच है। तो अब हम बाजू को जोड़ेंगे और जो हमारे आगे के पल्लर हैं अस्तर पे और साड़ी का जो कपड़ा है उन पे पहले सिलाई लगा लेंगे, फिर बाद में हम इसकी कटोरी को, पहले हम अस्तर और ये कपड़े के ऊपर अच्छे से दोनों को रख के सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली है, ये हमारे ऊपर के पार्ट हैं और ये नीचे की है, ये देखिए। तो अब अस्तर और कपड़े पे रख के हमने सिलाई लगा ली है, अब अस्तर के बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो नीचे के पल्लर हैं इसको डबल करके यहाँ पे देखिए सीधा है, तो ये सीधा है बिल्कुल, इसको हम रखेंगे। ये जो चौड़ाई है वो बगली की साइड आएगी हमारी, और जो कम चौड़ाई है वो यहाँ पे आएगी गले वाली साइड, हुक वाली साइड। तो यहाँ पे जो देखिए ये निशान लगाना है आपको कि ये हमारा यहाँ पे सीधा है, इसको हमें ऐसे जोड़ना है, और जो नीचे गोलाई है जो तीरे का शेप है वो हमारा नीचे आएगा,
तो पहले हमें इसको डबल करके प्लेट डालनी है। इस तरीके से डबल कर लेंगे और प्लेट डालेंगे। अब देखिए प्लेट डालने के बाद अब हमें एक कटोरी को जोड़ेंगे। कटोरी इसके ऊपर रखनी है। अब देखिए हमने ये ऊपर से सिलाई लगा ली, दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो गोलाई है इसको डबल करके पहले हमें प्लेट डालनी है। अब यहाँ पे देखिए जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये हमारा जो शेप है इस तरीके से। अब ये तीरे हैं वो हमने सिलाई लगा ली है अस्तर और कपड़े के ऊपर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से रखना है हमें। तो यहाँ से जो सीधा गया है और एक गला है तो इसके ऊपर हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। और कटोरी को खींचेंगे ना, और ना तीरे को खींचेंगे। बगली का तीरा है, हमें किसी को नहीं खींचना है। बस इसके ऊपर कटोरी हमें रखनी है, आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब ये बगली का तीरा जुड़ गया और कटोरी जुड़ गई। अब हम इसमें नीचे का तीरा जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा आधा इंच बड़ा है तीरा। तो जब हम दूसरी साइड तीरा जोड़ेंगे बगली का, तो यहाँ पे आधा इंच छोड़ के जोड़ेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच छोड़ना है। अब नीचे का तीरा जोड़ लेंगे। नीचे का तीरा है हमारा और अस्तल के ऊपर और कपड़े के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब अस्तल के बराबर इसको भी काटेंगे, जो साड़ी का कपड़ा है ज़्यादा। अब देखिए बराबर हो गया। अब एक बार और इसके ऊपर रख के अब देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई है वो हमारा आगे की साइड का है।
अब यहाँ पे देखिए, हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए नीचे का तीरा भी जुड़ गया। अब देखिए हमारे दोनों नीचे के तीरे जुड़ गए। अब इसमें हुक वाली पट्टी लगा लेंगे और काज वाली पट्टी, और बाद में फिर हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये पीछे का पल्लर है, तो इस पे भी मैंने ये सिलाई लगा ली है, और पीछे प्लेटें डाल लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अगर आप पे फिटिंग नहीं आती है तो आप हमारे चैनल में देख लें, बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने फिटिंग करना भी बताया है। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ख़राब करूँगी। अब देखिए ये बाजू है, तो ये देखिए बाजू भी मैंने जोड़ ली है अस्तल, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था चौड़ाई कम है, तो यहाँ पे हमें एक टुकड़ा लगाना है, तो मैंने यहाँ पे अस्तल का टुकड़ा लगा लिया है। और मेरा जो पीछे का ये डिज़ाइन था फूल वाला, तो मैंने यहाँ पे भी ये फूल वाला डिज़ाइन लगा लिया है। तो जो कपड़ा चौड़ाई में कम है, तो इसी तरीके से हमें एक जोड़ लगाना पड़ता है चौड़ाई बढ़ाने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया है, पहले हमें पीछे की साइड प्लेटें डालनी है, और यहाँ पे हुक वाली पट्टी लगानी है और काज वाली पट्टी, और एक कटोरी को जोड़ना तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसी तरीके से आप कटोरी को जोड़ लें और फिटिंग की अपनी सिलाई लगा लें, तो बड़ी आसानी से डबल कटोरी वाला ब्लाउज बन जाता है, और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।